एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास। तो जो हमने लास्ट टाइम और कल की क्लास में जो पढ़ा हुआ था, दैट वाज अबाउट डिफरेंट कॉजेस फॉर फॉरेस्ट का एक्सटिंक्शन, और उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन मेजर्स हमने उसके बारे में पढ़े थे। एंड देन वी हैड टॉक्ड अबाउट अ बिट अबाउट बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी में हमने स्टडी किया था कि कैसे बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। एंड देन वी हैड स्टडीड अबाउट वॉट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और फिर हमने ये भी स्टडी किया हुआ था कि वाइल्ड लाइफ क्या होता है, राइट। तो वाइल्ड लाइफ में हमने स्टडी किया था कि वाइल्ड लाइफ इट इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर इंक्लूडेड इनटू दोज एरियाज, सो हेंस दीज आर दी वाइल्ड लाइफ। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेन पॉइंट, दैट इज कॉजेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो उस पर फोकस करते हैं, ओके। सो वॉट इज मीनिंग ऑफ एक्सटिंक्शन? एक्सटिंक्शन यानी गायब हो जाना या फिर ख़त्म हो जाना, ठीक है। सो वाई डज वाइल्ड लाइफ इट गेट्स एक्सटिंक्ट इन टू एनी गिवन एरिया, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सो फर्स्ट थिंग इज बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, ओके। सो जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तब हमने बात की थी कि ये हॉटस्पॉट वो एरियाज है जहाँ पे हमने ये पूरा वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ पे थ्राइव कर रहा है, वहाँ पे वो ग्रो कर रहा है, ओके। सो ऐसे एरियाज को हम लोगों ने क्या बोला था कि वी हैव टू प्रोटेक्ट दीज एरियाज। वाई? बिकॉज इफ दीज एरियाज विल रिमेन प्रोटेक्टेड, देन एंड देन ओनली द वाइल्ड लाइफ विल थ्राइव देयर। अदरवाइज उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वहाँ की वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वहाँ का जो जो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर वहाँ का हैबिटेट अगर डिस्ट्रॉय हो गया, वहाँ पे एनिमल्स को रहने के लिए जो स्पेसिफिक जगह चाहिए, जिस तरह का फूड चाहिए, वो हैबिटेट उसका जो है वो अगर डिस्ट्रॉय हो गया, तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू डेथ ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इन टू दोज एरियाज, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है उसके बारे में आज हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। सो सपोज फॉर एग्जांपल से अगर हमने जो पोल्यूशन किया हुआ है इनटू आर नेचर, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ नेचुरल वेज आल्सो, और इट कुड बी आल्सो बिकॉज ऑफ मैन मेड वेज। मेजरली हम ह्यूमन का जो इसमें इंटरवेंशन है उसके बारे में बात करते हैं, बट देन नेचुरली भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल स्पिल्स अगर कोई हो गए नेचुरली, या फिर जाके कुछ वोल्केनिक इरप्शंस हो गए उसकी वजह से होने वाला वाटर में पोल्यूशन जो है, या फिर जाके वोल्केनिक इरप्शन से या फिर फॉरेस्ट फायर से होने वाला जो एयर पोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें आती है इनटू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। उसके साथ ही इट इज़ नॉट जस्ट दैट, बट देन अगेन ह्यूमंस की वजह से होने वाला जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो भी हम उसको कंसिडर करना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव वेरी वेल नोन विथ द फैक्ट दैट ह्यूमंस हैव इंटरवीन्ड एंड ह्यूमंस हैव इंटरफियर्ड विथ नेचुरल पाथवेज, नेचुरल सारे जो अपने नेचर के थ्रू मिलने वाली जो चीज़ें हैं उनको हमने हार्नेस किया, सिर्फ हार्नेस नहीं किया, हमने उसको ओवर एक्सप्लॉयड भी किया है। तो इसके वजह से होने वाला जो नुकसान है, राइट, तो वो आता है इनटू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, देयर कुड बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट। तो इसके बारे में हमने फॉरेस्ट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कैसे हमने ट्री कटिंग की वजह से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किए, कैसे हमने सॉइल इरोजन की वजह से हो गया, या फिर सॉइल बैरन लैंड प्रोडक्शन की वजह से, एग्रीकल्चरल इंटरवेंशन की वजह से, ये या फिर इंडस्ट्रियल सेटअप्स की वजह से, ये सब रीजंस की वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना पड़ेगा। देन सेकेंड इज डिफॉरेस्टेशन कॉज डिक्रीज इन रिप्रोडक्टिव पावर एंड लॉस ऑफ हैबिटेट, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जनरली क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है, या फिर कोई भी एनिमल हो, प्लांट्स तो नहीं बट एनिमल्स मेजरली, दे ट्राई एंड शिफ्ट इन टू अदर एरियाज, क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट था वो वहाँ का ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो वहाँ रह नहीं सकते। सो लॉस ऑफ हैबिटेट की वजह से दे विल बिकम माइग्रेटिंग, और अब जब ये माइग्रेट कर रहे हैं तब उनको वैसा ही सेम एनवायरमेंटल कंडीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। तो ये अगर एनवायरमेंटल कंडीशन जो उनको पहले मिल रहा था वैसा सेम अगर उनको नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से उनकी हेल्थ अफेक्ट होगी, उनका रिप्रोडक्टिव पावर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव पावर रिड्यूस होने की वजह से देयर प्रोजेनीज विल नॉट ग्रो, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल नॉट ग्रो, तो इसकी वजह से वापस से उनका जो वाइल्ड लाइफ का नंबर है, यानी कि ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिज्म था या फिर जो सपोज एनिमल है उसका नंबर जो है वो रिड्यूस होते जाए,
जाएगा विच विल लीड टू एक्सटिंक्शन. ओके, तो इसको अवॉइड करना ज़रूरी है. देन नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन. सो सॉइल इरोजन की वजह से होने वाले इश्यूज़ तो हमने फॉरेस्ट में इसको डिस्कस किया ही था. वैसे ही सॉइल इरोजन की वजह से नेचुरल हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से भी एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हो सकता है. एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन इज येट अनदर को रिलेटेड वन लाइक सॉइल इरोजन इट्सेल्फ. तो इसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन जब भी होता है तब हम फॉरेस्ट लैंड को क्या करते हैं, कट करते हैं, या फिर उस एरियाज़ में भी हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई एंड प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. तो वो एरियाज़ जो बैरन हो गई, वो एरियाज़ जो फॉरेस्ट के अंडर थी, वो अभी एग्रीकल्चरल लैंड बन गया, तो वहाँ के एनिमल्स को ऑब्वियसली हार्म हो जाएगा. ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ ओवर ग्रेजिंग. ये भी सारे जो है वो रिलेटेड वाले आ गए अभी, है ना, तो इनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल्स अबाउट इट. देन इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन. इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन यानी इसमें क्या आता है अभी, सो इन इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन वी टॉक अबाउट रोड कंस्ट्रक्शन, वी टॉक अबाउट डैम कंस्ट्रक्शन, वी टॉक अबाउट से डिफरेंट रेलवेज एंड पाथवेज कंस्ट्रक्शन, वी टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिजेस जो वहाँ पर बनती है, या फिर वी ऑल्सो टॉक अबाउट अर्बनाइजेशन में जहाँ पर नए घर बनाने के लिए हम फॉरेस्ट एरियाज़ में इंक्लूड करके वहाँ पर हम नए नए हैबिटेट्स जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं. तो ये सब चीज़ों की वजह से भी, यानी कि इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन की वजह से भी अगेन जो सारा वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. देन फॉरेस्ट फायर्स एंड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ स्पेसिफिकली के वजह से होने वाला फॉरेस्ट फायर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सपोज अगर कोई फॉरेस्ट जो है वो ड्राई फॉरेस्ट है और वहाँ पे अगर कुछ लोगों ने जाके से कैंप फायर कर लिया और उसकी वजह से होने वाला फॉरेस्ट फायर, या फिर जाके कोई अननेचुरल एक्टिविटीज़ लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था या फिर कुछ हो रहा था उसकी वजह से होने वाली चीज़ें, या फिर बाय एनी स्मॉलर लाइक कुछ भी छोटा से छोटा भी अगर गलती हो गया उसकी वजह से भी अगर कुछ भी फायर लिट हो गया तो उसकी वजह से होने वाला नुकसान. सो हैंस ये फॉरेस्ट फायर्स की वजह से भी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से एनिमल्स जो है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, है ना. तो ऑस्ट्रेलियन फायर्स के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी, तो वैसे ही यहाँ पे हो सकता है. देन ऑल्सो डेवलपमेंटल वर्क. इसमें भी हम जो भी सारा से नेशनल हाईवेज प्रोडक्शन हो गया या फिर जो सारे बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स की वजह से जो है जनरली जंगल एंड फॉरेस्ट या फिर जो सारा एरियाज़ जो वाइल्ड लाइफ के अंडर आता है उनका डिस्ट्रक्शन हो सकता है. तो इसको अवॉइड करने के लिए वी हैव टू डू सम और द अदर प्रिवेंटिव मेजर्स टू कीप देम इन कंट्रोल. नाउ वी टॉक अबाउट कि ये जो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट दी वाइल्ड लाइफ, तो उनके जो कैटेगरीज है यानी कि कोई भी वाइल्ड लाइफ वाला जो ऑर्गेनिज्म है जैसे फॉर एग्जांपल एनी प्लांट और एनी एनिमल, उसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि उसका नंबर हमारे अर्थ के ऊपर अच्छा खासा है या फिर कम हो गया है या फिर बहुत कम हो गया है या फिर वो है ही नहीं. तो इस हिसाब से हमने उसका कैटेगराइजेशन किया है, दैट इज़ थ्रेट कैटेगरीज. तो थ्रेट कैटेगरी यानी थ्रेट इज़ नॉट धमकी वाला थ्रेट, थ्रेट इज़ दैट इज़ कि ये ऑर्गेनिज्म जल्द ही एक्सटिंक्ट हो सकता है, इस हिसाब से उनका हमने कैटेगराइजेशन किया हुआ है. तो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू स्टडी दीज कैटेगरीज वन बाय वन. तो सबसे पहला थ्रेट कैटेगरी आता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट को हम डिनोट करते हैं बाय लेटर्स EX. ओके, तो EX यानी एक्सटिंक्ट. तो एक्सटिंक्ट वाला कैटेगरी जो है दैट इज इन दैट वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिजम्स और स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट. यानी कि एक्सटिंक्ट यानी कम्प्लीटली वो ख़त्म हो गए, वो उस जगह से कम्प्लीटली चले गए हैं. सो हैंस दे आर कॉल्ड एज एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. सो देर आर नो रीजनेबल डाउट दैट इट्स लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड. यानी उसमें अभी एक भी ऑर्गेनिज्म बाकी नहीं है, उसके सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेड हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है. तो उसकी वजह से होने वाला जो है थ्रेट कैटेगरी दैट इज़ एक्सटिंक्ट, कम्प्लीटली फिनिश्ड. अर्थ के ऊपर उसका कोई भी एक भी से पेरेंट या फिर ऑर्गेनिज्म जो है या फिर अवेलेबल एनिमल हो या फिर प्लांट हो, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया. सो हैंस दे आर कॉल्ड एज एक्सटिंक्ट. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड बर्ड स्पीसीज जैसे कि फॉर एग्जांपल डायनासोर्स पहले हुआ करते थे, वो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. वूली मैमथ्स, मैमथ अगर आपको पता होगा इफ़ यू मस्ट हैव सीन दिस मूवी
आइस एज, तो आइस एज में जो मैनी रहता है राइट, तो वो एक वूली मैमथ है। तो ये जो वूली मैमथ्स थे वो बहुत सालों पहले अर्थ पे हुआ करते थे, बट अभी वो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए। दे लुक लाइक एलिफेंट सम वॉट राइट, तो ये भी ख़त्म हो चुके हैं। या फिर पिंक हेडेड डक, एक डक का ये है स्पीसीज है, तो ये भी कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया है। या फिर डोडो, डोडो इज़ वन ऑफ दी बर्ड्स अगेन, ये भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। सो लास्ट सर्वाइविंग उनका जो भी सारा एंसेस्टर था वो पूरे अर्थ पर से मर चुके हैं, यानी कि इनमें अभी कुछ नया ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई नहीं देगा कभी भी। ओके, देन द मोस्ट रिसेंट प्लांट एक्सटिंक्शन विच वी हैव सीन इज सेंट हेलेना ऑलिव, जो कि एक प्लांट है, तो उसका भी एक्सटिंक्शन हो चुका है एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन ईयर December 2003। सो द लास्ट सर्वाइविंग सीडलिंग डाइड, तो जो भी उसका प्लांट था एक छोटा सा वो मर चुका है। तो ऑब्वियसली प्लांट एक मर गया, उसमें से सीड प्रोडक्शन नहीं होगा तो नए प्लांट्स आएंगे कहाँ से, है ना। सो हेंस दीज कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे आर कंसिडर्ड एज कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट, यानी कि ये ख़त्म हो चुके हैं अर्थ पर से। वी कैन नॉट लाइक सी मोर ऑर्गेनिजम्स ऑफ सच टाइप ऑन अर्थ एवर अगेन। ओके, देन नेक्स्ट इज सेकेंड काइंड ऑफ कैटेगरी इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं EW से। तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब क्या है? तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड इज वेन एवर अ स्पीसीज इज कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट बट ओनली इन टू वाइल्ड, यानी कि उनका जो सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर एक सर्वाइविंग उनका जो से प्लांट है या फिर एनिमल है, इनको हमने क्या किया हुआ है, वी हैव कल्टिवेटेड देम और वी हैव केप्ट इट इन टू कैप्टिविटी और वी हैव केप्ट इट इन टू एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कि क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि सपोज एक जगह पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा था और उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होते आया है, एंड वी नो कि अभी हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया, यानी एक तो ये एनिमल जो है वो जगह छोड़ के चला जाएगा या फिर वो वहीं पे मर जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस फोर हैंड, और हम क्या करेंगे, वी विल गो कैप्चर दैट एनिमल एंड ब्रिंग इट टू अ सेफ प्लेस जहाँ पे हमने उसके लिए एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाया, यानी कि जैसा उसका घर था, जैसा उसका हैबिटेट था, वैसा ही सेम एरिया हमने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया। वहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ टेम्परेचर कंडीशंस रखे, सिमिलर काइंड ऑफ ग्रास, सिमिलर काइंड ऑफ सैंड और सॉइल जो है वो रखा है, और फिर उसको हम वहाँ पे रखेंगे और वहाँ पे उसको हम ग्रो करेंगे, थ्राइव करेंगे, वहाँ पे उसको पलने बढ़ने में हेल्प करेंगे। ठीक है, सो हेंस इट इज़ ईदर केप्ट इन टू कैप्टिविटी, यानी उसको हमने कैप्चर करके रखा है, या फिर अगर प्लांट होगा तो उसको कल्टिवेट करेंगे, यानी कि उसको क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग उसको ग्रो करेंगे। सो हेंस थ्रू दिस व्हाट वी कैन डू इज नाउ वी हैव ब्रॉट इट फ्रॉम वाइल्ड इन टू कल्टिवेशन। सो हेंस इट इज़ वाइल्ड में तो वो ख़त्म हो गई उसकी स्पीसीज कम्प्लीटली, बट अभी हमने उसको प्रिजर्व करके रखा है, उसको कंजर्व करके रखा है। जब उसका नंबर बढ़ जाएगा तब उसको लेके जाके हम वापस से वाइल्ड में प्लांट कर सकते हैं। ओके, देन सो द एग्जॉस्टिव सर्वे इन नोन और एक्सपेक्टेड हैबिटेट फेल टू रिकॉर्ड दीज इंडिविजुअल्स। सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज स्पीसीज दैट आर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड इंक्लूड बार्बरी लायन, तो बार्बरी लायन जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया इन टू वाइल्ड सिंस 1922। देन ब्लैक शेल सॉफ्ट शेल टर्टल, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है सिंस 2002। हवाइन क्रो, हवाइन क्रोज भी 2002 में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। या फिर एस्केपार्टमेंट साइकिड, ये जो ये प्लांट है इट गॉट एक्सटिंक्ट इन टू 2006, बट देन दीज आर प्रेजेंट इन टू कल्टिवेशन। तो इनकी वजह से ये अभी भी जिंदा है बट नॉट इन टू नेचुरल हैबिटेट, यानी कि नेचर में वो जिंदा नहीं है। ठीक है, देन थर्ड काइंड ऑफ कैटेगरी इज थ्रेटेंड स्पीसीज, यानी ऐसा स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उसका नंबर बहुत कम हो चुका है, यानी कि ये कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकता है फ्रॉम नेचर ऑल्सो एंड फ्रॉम आर्टिफिशियल हैबिटेट ऑल्सो, तो इनका नंबर ग्रेटली रिड्यूस हो चुका है, तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। सो देर आर मेनली थ्री कैटेगरीज ऑफ थ्रेटन स्पीसीज, उनके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो एंडेंजर्ड स्पीसीज इज द वन इन विच, इसको डिनोट करते हैं ई से, कैपिटल ई से। सो द स्पीसीज हुज नंबर हैज़ बीन रिड्यूस्ड क्रिटिकली, यानी कि बहुत कम नंबर है, इसके थोड़ा सा भी नीचे चला गया तो वो एक्सटिंक्शन के लिए चला जाएगा। ओके, सो हेंस दैट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज।
which are about to become extinct are called as endangered species. Example of endangered species is Satpura Natural Park जो है अपना, उसमें lions, elephants, wild buffaloes, barasingha, ये सारे organisms जो है वो endangered species में आती है, ठीक है. तो दूसरा वाला है जैसे for example ये एक बेंटिनिका निकोबारी का एक प्लांट है वो हो गया, या फिर जाके रेड पैंडाज हो गए, या फिर इंडियन एलिफेंट्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, वेल, मस्क डियर, इंडियन बाइसन, ये सारे एनिमल्स जो है, ये सब लोग जो है, ये लोग अभी ये हो चुके हैं, दैट इज़ एंडेंजर्ड हो चुके हैं. इसमें से थोड़ा सा भी क्वांटिटी कम हो गया तो उनकी डेथ भी हो सकती है, यानी कि ये कम्प्लीटली एक्सटिंक्शन भी हो सकता है. तो हैंस दे आर कॉल्ड एज एंडेंजर्ड. अभी एंडेंजर्ड के सामने एक स्टेप है, यानी कि थोड़ा सा सेफ बट स्टिल नॉट सेफ, यानी कि इसमें से कोई भी मर गया तो फिर इट विल बिकम एंडेंजर्ड. तो वो उसको हम बोलते हैं वल्नरेबल स्पीसीज, ठीक है. तो वल्नरेबल स्पीसीज को डिनोट करते हैं कैपिटल वी से. सो द स्पीसीज हुज पॉपुलेशन आर अबंडेंट एट प्रेजेंट बट दे मे बिकम एंडेंजर्ड इन फ्यूचर, यानी कि ऐसा स्पीसीज जो बाद में जाके एंडेंजर हो सकता है, अगर उसमें से भी और ऑर्गेनिज्म मर गए तो वो एक्सटिंक्ट भी हो सकता है. सो हैंस इट इज़ कॉल्ड एज वल्नरेबल स्पीसीज. एग्जाम्पल इज गोल्डन लंगूर, या फिर जाके लेपर्ड कैट हो गया इंडिया में जो है, या फिर ब्लैक बक जो है, ओके. तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो जनरली वल्नरेबल स्पीसीज में आती है, ठीक है. तो ब्लैक बक का आपने बहुत बार नाम सुना होगा, राइट. तो ये भी वल्नरेबल स्पीसीज में आता है. देन नेक्स्ट इज रेयर स्पीसीज. रेयर स्पीसीज इज द ऑर्गेनिज्म विच इज से रेयर इन टू नेचर, ठीक है. तो ऐसा स्पीसीज जो एंडेंजर्ड भी बोल सकते हैं इसको, बट देन ये एक स्पेसिफिक हैबिटेट में ही ग्रो होता है, इसी वजह से ये बहुत कम नंबर में होता है, ठीक है. और फिर ये कन्फाइंड एरियाज़ में ही ग्रो होता है, इसीलिए इस स्पीसीज को हम रेयर स्पीसीज बोलते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया में सभी जगह पे अपने को टाइगर्स नहीं दिखाई देते, देर आर वेरी वेरी फ्यू कंजर्व्ड रिजर्व्स ओनली जहाँ पे हमें टाइगर्स दिखाई देते हैं. सो हैंस इट इज़ अ से वी कैनॉट से इट एज अ रेयर स्पीसीज, बट ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये कंजर्व्ड एरियाज में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. या फिर हमें सभी जंगल्स में टाइगर नहीं दिखाई देगा, ओके. तो वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल वाइल्ड याक हो गया, घरियाल हो गई, घरियाल यानी जो क्रोकोडाइल के जैसा होता है, राइट. तो ये हो गया, ये सारे जो स्लो लॉरिस जो है, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये बहुत कन्फाइंड एरियाज़ में रहने वाले, यानी वो हैबिटेट ही उनको चाहिए ग्रोथ के लिए. अगर वैसा हैबिटेट नहीं मिला तो उसकी वजह से उनका डेथ भी हो सकता है. सो हैंस दीज स्पीसीज आर कॉल्ड एज रेयर स्पीसीज. सो दिस वॉज अबाउट रेयर स्पीसीज. अभी ये एक बात हो गई, और दूसरी बात ये है कि हमें कैसे पता चला कि ये कौन सा स्पीसीज़ रेयर स्पीसीज़ है, कौन सा स्पीसीज़ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, या फिर कौन सा स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो चुका है. ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती है. सो देर इज़ अ बुक जिसको हम बोलते हैं द रेड डेटा बुक. तो ये रेड डेटा बुक जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ऑल ऑफ दीज स्पीसीज़, और इनका एक्सटिंक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, ये सब के बारे में हमें पता चलता है थ्रू दिस रेड डेटा बुक. तो रेड डेटा बुक जो है तो ये क्या है और कैसा है, ये इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं, ओके. सो सबसे पहले तो द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, दैट इज़ WCU, ओके. इन्होंने फॉर्मली नोन एज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेस, तो IUCN भी बोलते हैं उसको. तो IUCN जो है उसने ये बुक को पब्लिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेड डेटा बुक. दे कंपाइल लॉन्ग डायरेक्शंस कॉल्ड एज रेड डेटा बुक, ठीक है. तो IUCN जनरली इसको पब्लिश करता है, या फिर IUCN जो है वो उसका कंपाइलेशन करता है जिसको हम रेड डेटा बुक बोलते हैं. सो इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज अलॉन्ग विथ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि हम कोई भी जगह छोड़ने वाले
नहीं है, पूरे दुनिया में से हम इन्फॉर्मेशन लेके उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। सो रेड डाटा बुक इज़ यूनिवर्सल, यानी कि उसमें हम क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कौन से ऑर्गेनिज्म का रिसर्च हो रहा है, कौन से ऑर्गेनिज्म मिल गए, उसमें से कौन वल्नरेबल है, कौन एक्सटिंक्ट होने वाला है, कौन एक्सटिंक्ट हो चुका है या फिर कौन सा एंडेंजर्ड है, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं उसमें रिकॉर्ड करते हैं। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IUCN रेड लिस्ट इज़ फर्स्ट इज़ डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हमें सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस ही अभी अभी पता चलने लग गया है, क्योंकि उसके पहले तो हम उसके लिए इतने ज़्यादा केयर नहीं कर रहे थे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रेटेंड वाला बायोडाइवर्सिटी के ऊपर सबसे पहले फोकस करेंगे ताकि वो बचा रहे, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, ताकि जो स्पीसीज़ ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आ रहे हैं, अगर हमें इसके बारे में पता चले तो हम पहले ही उनके कुछ ऑर्गेनिजम्स या फिर जो प्लांट है या फिर एनिमल है उनको आइसोलेशन में ले सकते हैं। तो आइसोलेशन में लेके उनके लिए हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम डेवलप करके उनका नंबर बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि बाद में जाके जब ये एक्सटिंक्शन को फेस करने का टाइम आ जाए तब हमारे पास ऑलरेडी सरप्लस ऑर्गेनिजम्स या फिर वहाँ पे प्रोड्यूस्ड रहेंगे, तो हम उनको वाइल्ड में प्लेस करके वी कैन सेव दैट स्पीसीज़। तो उनको सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज़। देन प्रोवाइड अ ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर नेचुरल रिसोर्सेस नेचुरल वेज के थ्रू क्या डिस्ट्रक्शन हो गया नेचुरल हैबिटेट का या फिर ऑर्गेनिजम्स का, ये सारी चीज़ें हमें इस पर से पता चलती है। देन डिफाइनिंग कंजर्वेशन प्रायोरिटीज़ एट लोकल लेवल ऑल्सो, क्योंकि हमें अगर हमारे लोकल एरियाज़ में कौन से ऑर्गेनिजम्स है वो पता रहेगा तभी जाके हम उनको स्टडी करेंगे, तभी जाके हमें पता चलेगा ये रेयर है एंडेंजर्ड है या फिर एक्सटिंक्शन पे के वर्ज में है, और फिर जाके वी कैन डू सम और दी अदर से उसके लिए एफर्ट लेके हम क्या कर सकते हैं उसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। देन इज़ गाइडिंग कंजर्वेशन एक्शन, दैट इज़ वी हैव टू कैसे हम थ्रू डिफरेंट वेज एंड मेथड्स इन ऑर्गेनिजम्स को बचा सकते हैं, तो उसको पता करना इज़ डन थ्रू दिस रेड डेटा बुक, ओके। द एनिमल द नंबर ऑफ एनिमल्स इन दिस बुक इज़ अबाउट ओवर 3,000, वाइल द नंबर ऑफ प्लांट्स इज़ वेरी हाई, ओवर 20,000 प्लांट्स आर बीन मार्क्ड हियर। दिस बुक कंटेन्स लिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 497 मैमल्स, 1,037 बर्ड्स, 343 फिशेस, 50 एम्फीबियंस, 170 रेप्टाइल्स, 1,355 इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि ये जो 3,000 एनिमल्स है उसमें से ये सारे एनिमल्स को डिवाइड किया गया। अभी ये काफ़ी पुराना डेटा है, नए डेटा में और भी ऑर्गेनिज्म ऐड हो चुके होंगे मे बी, ओके। सो हेंस ये डेटा अपडेट होते रहता है। तो मैमल यानी ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फॉर एग्जांपल द वंस हु फीड देयर यंग वंस ऑन मिल्क, ओके, तो वो हो गए मैमल्स, या फिर बर्ड्स आ गए, या फिर फिशेस, एम्फीबियंस यानी फ्रॉग लाइक ऑर्गेनिजम्स, रेप्टाइल्स यानी लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल जैसे ऑर्गेनिजम्स, एंड इनवर्टिब्रेट्स यानी कीड़े जनरली कीड़े या फिर जो भी सारे अपने इंसेक्ट्स रहते हैं वो सब लोग, ओके। सो इंडिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इन द बुक, एंड द नंबर ऑफ थ्रेटेंड प्लांट्स दैट इज़ 474, वाइल एनिमल्स आर ओवर 100, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा लैंड एरिया को अंडर कंस्ट्रक्शन लाते हैं, बहुत सारा लैंड एरिया को हम लोग अंडर अर्बनाइजेशन ला रहे हैं, बहुत सारा एरिया अंडर कल्टीवेशन ला रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर, एंड देन ऑल्सो वी आर डूइंग सम और दी अदर एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमंस विच आर गोइंग टू थ्रेटन ऑल ऑफ दी स्पीसीज़। और हमारे पास इतना रिच बायोडाइवर्सिटी होके भी बिकॉज ऑफ दिस ओनली सोल रीज़न वी आर ऑल्सो लूजिंग ऑल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, एंड हेंस बिकॉज ऑफ दिस वी हैव मैक्सिमम रेड डेटा बुक का सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी ऑफ ये सारे स्पीसीज़ जो डेंजर में आ रही है उसमें इंडिया का नंबर सबसे आगे आता है, ठीक है। तो इसमें ये सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो लोग अभी
थ्रेटेंड स्पीसीज में है, जैसे पिचर प्लांट हो गया, स्नो ऑर्किड्स हो गए, या फिर जाके बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है जो थ्रेटेंड है. IUCN हैज़ रिकग्नाइज्ड 8 रेड लिस्ट कैटेगरीज ऑफ द स्पीसीज. दीज कैटेगरीज प्रोवाइड एन एसे एंड वाइडली अंडरस्टूड मेथड फॉर हाईलाइटिंग द स्पीसीज दैट आर अंडर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. सो ओनली बिकॉज ऑफ दिस रेड डेटा बुक नाउ वी नो कि कौन से स्पीसीज को कितना इम्पोर्टेंस देना है और उनको कैसे बचाना है. तो हैंस रेड डेटा बुक स्टडी इज़ वेरी इसेंशियल. ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. जो मैंने आपको नोट्स कल प्रोवाइड किए थे उसका ही ये फर्दर पार्ट था रेड डेटा बुक का. और जो आपके नोट्स है वो रेडी हो रहे हैं ऑलमोस्ट, PDF तो रेडी है. आई विल शेयर द PDF इफ़ यू वांट ऑन द ग्रुप आल्सो. बट आपके नोट्स जो हैं मे बी आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएंगे. सो आपको उस हिसाब से कॉल या फिर मैसेज आ जाएगा फ्रॉम रेजॉक्सी और फिर आपको आके उसको कलेक्ट करना है. ठीक है, तो आपको नेक्स्ट सारे चैप्टर्स के ऑलमोस्ट मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट यू कैन गो थ्रू द चैप्टर्स ऑल्सो एंड चेक फॉर इट कि कौन से चैप्टर्स का नोट्स आ गया आपको, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको फिर से जाने की ज़रूरत ना पड़े. ओके, सो दिस इज़ अबाउट टुडेज क्लास, दैट इज़ रेड डेटा बुक, ऑल्सो अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेटेंड कैटेगरीज, एंड देन अबाउट एक्सटिंक्शन, कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन टू आर नेचर. ओके, सो ऑलमोस्ट वी आर डन विद द क्लास टाइमिंग टूडे. आई होप आपको इसमें कुछ डाउट नहीं है. अगर आपको कुछ डाउट होगा देन यू कैन मैसेज मी, कॉल मी और एनी हाउ वॉट एवर इज़ ओके विथ यू ऑल, यू कैन जस्ट आस्क. और अगर कुछ डाउट होगा तो सॉल्व कर लेना. ओके, तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बचा हुआ पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे. ओके, सो टिल देन, बाय, टेक केयर.